हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको लौकी के कोफ्ते के बारे में बताऊंगी। देखिए, हमने ये एक लौकी ले ली है, इसका हम छील के इसको हम कोफ्ते बनाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये मसाले लिए हैं इसके लिए हमने। ये हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर लिया है, ये जीरा लिया है, ये हल्दी पाउडर है, ये फ्रेंड्स मिर्च है, लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर है, ये हमारा नमक। फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए हम कुछ टमाटर लिए हैं, हमने प्याज ली है, ये हरी मिर्च ली है, ये थोड़ा सा गार्लिक लिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा और लगता है। जिस लोगों को पसंद ना हो तो ये बिना गार्लिक और प्याज के भी हम इसको कोफ्तों को बना सकते हैं। आइए अपने कोफ्ते बनाकर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने ये प्याज और घिया कस के रख ली है, इसको हम अब निचोड़ के इसका पानी निकाल देंगे, एक्स्ट्रा पानी, और इसको हम खट्टा कर लेते हैं सारी। इस तरह से सारी प्याज, एक प्याज डाली है और सारी घी हमने घिया कस ली है, इसे निचोड़ के हम एक साथ रख लेते हैं। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ये हमारे कोफ्ते में बनाने के काम आएगा, करी बनाने के काम आएगा। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम ये हमारा बेसन है, ये हमने 1 कप बेसन लिया है, 1 बाउल बेसन लिया है, इसको हम बेसन डाल देते हैं इसमें अपना। हमने 4 स्पून बेसन लिया है। फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे, इसमें हमने धनिया साबुत ये सूखा धनिया डाला है, धनिया पाउडर डाल दिया है 2 स्पून, और नमक डाल दिया है। नमक अपने स्वाद अनुसार हम जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़ी सी हमने इसमें 1 पिंच हल्दी डाल दी है। फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ी सी ये हींग भी, जरा सी सी हींग डाल देंगे 1 स्पून। इसे डाल के अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बिना पानी के ही अच्छे से बन जाता है। इसमें नमक में इतना मॉइस्चर होता है, और घी या प्याज में जो था उसके हिसाब से ही हमारे ये अच्छे से बन जाता है। देखिए अब ये इस तरह से हमारा कुछ बैटर घिया और घिया के साथ में बेसन डाला है हमने, हरी मिर्च डाली है और नमक मिर्च सब डाल के इस तरह से बैटर हो गया। अब इसका हमारा ये पकौड़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम गोल गोल शेप में पकौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। गैस की फ्लेम अभी लो ही रखेंगे। फ्रेंड्स इसके हम लंबे लंबे शेप में भी बना सकते हैं, इस तरह से भी हम बना सकते हैं, जो कि हमारी बाजार की स्टाइलिंग हो जाएंगे। इस शेप में बना के भी हम इसको फ्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सब पकौड़ी बनाकर हम इसको बना के तैयार कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे, जिससे हमारे पकौड़े ना जल जाएं। फ्रेंड्स इसे हम पकौड़ों को करारी करके डबल फ्राई करके इसको हम चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और इसकी हम सब्जी तो बनाते ही हैं, कोफ्तों की करी बना के और हम अपनी सब्जी भी तैयार कर लेते हैं, और इसे पकौड़ी के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़ी के रूप में चटनी, हरी धनिया की चटनी के साथ में, सॉस के साथ में हम इसको खा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारे ये कोफ्ते हम हल्की सी गैस की फ्लेम तेज कर देंगे, इसे हल्की हल्की, देखिए हमने सबने तली छोड़ दिया है, हमारे तली से कुछ नहीं चिपक रहा है, इसके कोफ्ते चिपके नहीं हैं, आप देख सकते हैं हमारे ये कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है, हमारे कोफ्ते ये बन रहे हैं, जिससे ये अंदर तक सिक जाएं। अगर हम गैस की फ्लेम लो तेज कर लेंगे तो हमारे कोफ्ते
ऊपर ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हम गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे, लो मीडियम रखेंगे। इस वक्त हमने इसकी फ्लेम मीडियम कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, ये कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। बच्चे घिया की सब्ज़ी नहीं खाना पसंद करते, तोरी हरी सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं खाते, तो हम उसको उन्हें बच्चों को घिया की सब्ज़ी कोफ्तों के रूप में खिला सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए आप, ये बनकर हमारी कितनी अच्छी हो गई है, कितने अच्छे अच्छे कोफ्ते आ रहे हैं। इनका कलर देखिए आप, कितना अच्छा हो गया है। देखिए हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम लो करके बिल्कुल हम इसको अपने कोफ्ते निकाल लेते हैं, जिससे कि आपका तेल हमारा सब निकल जाए। देखिए आप, बड़े स्ट्रेनर में हमने इसे निकाल कर, जिससे हमारा आस्ता तेल सब बाहर आ जाए, हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इनका कलर देखिए कितने गोल्डन बने हैं। इसे हम शाम के स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम पैन रख कर करी बनाने की तैयारी करें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे गर्म कर लिया है, और हमने थोड़ा सा इसमें हम जीरा पाउडर जीरा डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, धनिया पाउडर डाल लेते हैं 1 स्पून, और थोड़ी सी इसमें हम मिर्च डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची भी पिस गई हैं और हमें गरम मसाले भी डालना है, इसलिए हमने बहुत थोड़ी सी मिर्च डाली है। फ्रेंड्स, इसे हम भून के, जिससे हमारा मसाला अच्छे से बन जाए। ये हमने पीस लिया है, अच्छे से। देखिए प्याज टमाटर हमारा पिस गया है, लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च पीस के तैयार कर लिए, इसे हम डाल देंगे। ये हमारा मसाला भूनता है, इसे हम अच्छे से इसको भून देंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं, जिससे हमारा मसाला ये टमाटर प्याज का कच्चा भी निकल जाए और ये भून जाए। फ्रेंड्स, ये हमारा भून रहा है। देखिए अब हमारा मसाला लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, जिससे हमारा इसका कोफ्तों का पानी ना कि बिल्कुल पतला पतला ना लगे, जरा सा गाढ़ा सा बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, जब ये मसाला बन जाता है तो अपना इसमें हम बेसन भी डालकर भून लेंगे। इसको हम बेसन की बिल्कुल भी हमें गांठें ना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम ये कसूरी मेथी डाली है, इससे इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम हमारा ये भूनेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये भूनने में ही टेस्ट है, हमने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़े ही ऑयल में ये बनाया है, क्योंकि कोफ्ते हमारे बहुत ऑयली होते हैं, इसलिए हमने थोड़े ही ऑयल में इसको बनाया है। फ्रेंड्स देखिए, हमारा बेसन ये अच्छे से भून चुका है। गैस की फ्लेम हमारी लो ही है। अब इसमें हम ताज़ी दही, आजकल टमाटर मीठे आ रहे हैं, खट्टे नहीं हैं, इसमें हम 1/2 बाउल दही डाल देते हैं, इससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स देखिए, अब दही को हम फ्लेम तेज करके भून लेते हैं, जिससे हमारा दही का कच्चापन निकल जाए। फ्रेंड्स देखिए, ये अच्छे से भून रहा है, इससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप मेरे इस चैनल को पसंद करते हैं और मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है, दही का कच्चापन निकल रहा है। आप मेरी रेसिपी को बनाएं, मेरे तरीके से बनाएं और इसे खाएं, स्वादिष्ट रेसिपी तैयार होगी। आप खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, बहुत ज़रूर शेयर करें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हमें अच्छा लगता है।
फ्रेंड्स देखिए ये मसाला हमारा करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। हमने इसमें दही डाला था, हाफ बाउल दही डाला था, तो ये हमारा मसाला दही का कच्चापन निकल जाता है और एक ऑयल एक उबाल आने के बाद में हमारा ये तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे हमारा दही एक साथ मिल जाए और ये इसका कच्चापन ना रहे, इसमें कोई गुड़ी ना रहे, ना बेसन की ना दही की। देखिए फ्रेंड्स इसमें कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने बेसन इसलिए डाला है जिससे कि हमारा पानी अलग अलग ना हो। कोफ्तों में कई बार बिल्कुल पतला पतला कोफ्ते होते हैं, सूखे सूखे बिल्कुल हमारा पानी हो जाता है, अलग कोफ्ते अलग दिखाई देते हैं, तो हमें बेसन डालने से हमारे कोफ्ते अलग अलग नहीं होंगे। बेसन ये मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसमें अपना हम पानी लौकी का पानी जो हमने रख दिया था वो भी हमने इसमें डाल दिया। देखिए फ्रेंड्स ये पानी हमने डाल दिया है इसमें और इसको हम अच्छे से एक उबाल आने तक इसको चलाएंगे। एक उबाल आने के बाद हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे और हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे लेड लगा के इसे हम थोड़ी देर के लिए लेड लगा के रख देते हैं एक उबाल आने तक। एक उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए अब ये हमारे कुछ बनकर इस तरह से तैयार हो चुकी हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पानी है। अगर हम बेसन ना डालते तो बिल्कुल पतला पतला पानी होता जो कि अलग अलग अच्छा नहीं लगता है। अब इसे हम निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं और हमारा ये परोसने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्रेंड्स देखिए अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें और इसे लाइक शेयर करें। फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी बन के ये तैयार हो गई है। फ्रेंड्स देखिए ये बनकर बिल्कुल ये तैयार हो गई है, ये परोसने के लिए हमारी बिल्कुल तैयार है घिया के कोफ्ते। और इसको हम बनाएं खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और अनुभव हमारे साथ शेयर करें। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो मेरे चैनल हैप्पी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।